जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं वॉट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अंटेंस दट एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन स एंड एंगटरी ऐसा जुमला होता है जो जबरदस्त जज्बात का इजहार करता है जैसे जोश व खरोश हैरत खुशी और गुस्सा ये अलामत अस्ताजाब के निशान के साथ खत्म होता है आइए कुछ मिसाल देखें

कैसे तब्दील करें इसके तीन स्टेप्स होते हैं हम हर एक स्टेप को बारी बारी एक जुमले की मदद से पूरा करेंगे अब हम हमारा जुमला पढ़ेंगे डॉक्टर हॉकिन इज अ वेरी हम्बल मैन स्टेप क्या है फाइंड वे द हेल्पिंग वर्ब इज देन मूव द वर्ड्स टेल हेल्पिंग वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इससे पहले कि हम इस स्टेप को समझें पहले ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है ये है इमदादी अफाल आप इन लफ्सों को पहली जमात से जानते हैं आई एम यू आर ही ही हैज हैज शी डस इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से अब हम हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे अब हम हमारा रूल अप्लाई करेंगे फाइंड वेयर द हेल्पिंग वर्ब इज वर्ड स्टिल हेल्पिंग वर्ब एट सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज अब हमें हेल्पिंग वर्ब तक जितने अल्फाज हैं उन सारे अल्फाजों को आखिर में डाल देना है जैसे ये देखिए अब हमारा जुमला बन गया अ वेरी हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिन इज अब अगला स्टेप लगाते हैं दूसरा स्टेप है रिमूव the एडवर्ब लाइक वेरी एक्सट्रीमली etc हमारे जुमले में एडवर्ब कौन सा है वेरी अब हमें इसे निकालना है यह बन गया अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिन इज अब देखते हैं तीसरा स्टेप अब हमें अप्लाई करना है तीसरा रोल तीसरे रोल में क्या होगा वॉट या हाउ हमारे जुमले के आगे लगेगा अब ये कैसे डिसाइड करें कि व्हाट यूज करना है या हाउ चलिए देखते हैं पहले व्हाट कब इस्तेमाल होता है व्हेन द सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन जब जुमले में सिफत के बाद इसम होता है तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं अब हमने स्टेप टू में देखा था हमारे पास जुमला क्या बचा था अ हंबल मैन डॉक्टर हॉकिन इज इसमें ढूंढिए एडजेक्टिव और नाउन हमारे पास हम्बल मैन हम्बल है हमारा एडजेक्टिव और मैन है हमारा नाउन तो हमें पता चलता है कि हमें वॉट का इस्तेमाल करना है अब बस आखिरी बारी इस स्टेप की वॉट प्लस हमारा जुमला बन गया हमारा मुकम्मल जुमला वॉट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिन इज And this is our exclamatory sentence. अब देखेंगे how हाँ का इस्तेमाल कब होता है When the sentence has adjective followed by pronoun or demonstrative pronoun, जब जुमले में सिफत होती है इसके बाद जमीर या अज्बाती जमीर होता है तब हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं अब पहले की तरह हम हमारे स्टेप वन और टू अप्लाई करेंगे इस चीज के लिए मैंने इस जुमले का इस्तेमाल किया है ही वॉज वेरी क्लमजी तो पहला स्टेप क्या है हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब है वॉज तो अब क्या करना है ही वॉज इतना हिस्सा निकालकर हमें सेंटेंस के एंड में डालना है तो हमारा सेंटेंस बन गया वेरी क्लमजी ही वॉज अब स्टेप टू स्टेप टू में हमें क्या करना है एडवर्ब को निकाल देना है हमारा एडवर्ब था वेरी हमने वेरी को निकाल दिया अब हम स्टेप थ्री अप्लाई करेंगे स्टेप थ्री के लिए हमें क्या पता करना है एडजेक्टिव के बाद क्या है प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर नाउन है तो जैसे कि हमने हमारे हाउ की इस्तेमाल की तारीफ में देखा कि अगर एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन आता है तब हम हाउ इस्तेमाल करेंगे जो इस केस में है क्लमजी के बाद ही आ रहा है जो कि एक प्रोनाउन है अब हम हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे अब हाउ को आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए और बन गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ क्लमजी ही वॉज अब आप हमारे स्टेप वन टू थ्री को अप्लाई करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं पहले का क्या जवाब है हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज और दूसरे का वॉट अ वंडरफुल थिंग करेज इज